नमस्कार दोस्तों, स्ट्रगल ज्ञान पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी डीप फार्मा कोर्स करना चाहते हैं या डीप फार्मा कोर्स कर मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि डीप फार्मा कोर्स क्या है, डीप फार्मा कोर्स कैसे करें, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही इस कोर्स को करने में कितना फीस लग सकता है और इसे करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है जिसे डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं। ये फार्मेसी के क्षेत्र में 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको दवाई से जुड़ी हर तरह की जानकारी प्रदान की जाती है। यदि आप भी फार्मेसी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास करना होगा और साथ ही 12वीं कक्षा में कम से कम 50% से 55% अंक प्राप्त करना होगा। अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इंट्रेंस एग्जाम अच्छे अंकों के साथ पास करना होगा, क्योंकि कॉलेज में प्रवेश आपके इंट्रेंस एग्जाम की योग्यता के आधार पर ही दिया जाता है और साथ ही सरकारी कॉलेज की फीस भी कम होती है। अगर आप ये कोर्स किसी प्राइवेट कॉलेज में करना चाहते हैं तो बिना इंट्रेंस एग्जाम दिए भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस सरकारी कॉलेजों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। अगर आपका एडमिशन डिप्लोमा कोर्स करने के लिए कॉलेज में होता है तो आपको इस कोर्स की पढ़ाई 2 वर्ष तक करनी होती है, जिसे 4 सेमेस्टरों में बांटा गया है, इसलिए आपको ये परीक्षा 4 बार देना होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको डी फार्मा का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बाद आप किसी सरकारी संस्थान या किसी प्राइवेट संस्थान में फार्मेसी की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।